अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी चीफ शरद पवार राजनीतिक जीवन में सबसे मुश्किल दौरे से गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी के सरकार में शामिल होने के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। सूत्रों की माने तो यूपी में भी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का कुनबा बढ़ेगा। भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों का दावा है कि राजभर जल्द ही एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। मुकेश अंबानी की लाडली बेटी ईशा अंबानी की नन्ही परी आदिया का एक तोहफा इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि ये तोहफा 108 सोने की घंटियों से बना हुआ है। इस खास तोहफे को देवी शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। मां शक्ति की 108 घंटियां उनके आशीर्वाद फलदायी मानी जाती है। प्याज की कीमतों में पिछले चार दिनों में काफी उछाल आया है। 12 से 15 रुपए किलो तक बिकने वाला प्याज आज 30 रुपए किलो बिक रहा है। होलसेल मंडियों की कीमत देखें तो इसमें 30 से 40 प्रतिशत का उछाल आया है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमत और बढ़ सकती है। बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से पहले अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज उस्मान घनी ने फिलहाल देश के लिए क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर अफगानिस्तान क्रिकेट से ब्रेक लेने का ऐलान किया है।